कांग्रेस अल्पसंख्यक की उपाध्यक्ष मोनिका सुरेश सरकार द्वारा जिला कलेक्ट्रेट को सौंपा निवेदन। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी, सोलापुर मध्य की विधायिका प्रणति शिंदे और कांग्रेस नगर अध्यक्ष प्रकाश वाले जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस अल्पसंख्यक की उपाध्यक्ष मोनिका सुरेश सरकार द्वारा माननीय जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। 2005 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर राष्ट्रीय सेवा निवृत्ति योजना NPS DCPS लागू की जा रही है। कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन योजना का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ये सामने आया है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के समान लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए राजस्थान की तरह महाराष्ट्र में भी सरकार कर्मचारियों के लिए 1982-84 की पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में ये निवेदन है। 23 फरवरी 2022 को राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सेवा निवृत्ति योजना को बंद कर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई। इसी पृष्ठभूमि में सोलापुर जिले के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना तत्काल लागू की जाए, ऐसी मांग है कि रामराव शिंदे, संतोष शिंदे अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज एवं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सामान्य अस्पताल वर्ग 3 एवं 4 एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष चंद्रकांत मशाल सहित शिवाजी वड़े, इमरान जमादार, रविराज नास्तिक एवं कोषाध्यक्ष आशीष चौहान एवं महाराष्ट्र राज्य पुरानी पेंशन संघ एवं राजस्व कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। सोलापुर से योगेश कल्याणकर की रिपोर्ट। एक सरकारी कर्मचारी होते त्यांची पेंशन जी बंद करण्यात आली होती आणि पुन्हा 2005 ला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जुनी पेन्शन बंद करण्यात आली होती आणि नवीन पेन्शन पुन्हा चालू करण्यात आली होती। तर त्या नवीन पेन्शनमुळे काय होत होतं, जे आमचे हे कर्मचारी होते त्यांचं नुकसान होतं त्या पेन्शनमुळं, त्यामुळं कर्मचाऱ्यांचा विरोध होता त्या नवीन पेन्शनला। तर कालच्या 23 फेब्रुवारी रोजी राजस्थान सरकारचे लोकप्रिय आमचे काँग्रेसचे जे लोकप्रिय आमचे काँग्रेसचे नेते मुख्यमंत्री त्यांनी पुन्हा ते जुनी पेन्शन चालू केलेली आहे राजस्थान सरकारने। तर तीच पेन्शन आमच्या महाराष्ट्रामध्ये आणि आमच्या सोलापूर जिल्ह्यात पुन्हा जुनी पेन्शन चालू करण्यात यावी यासाठी आज आम्ही पूर्ण जुनी पेन्शन योजनेचे जे आमचे पदाधिकारी आहेत, जे संघटनेचे पूर्ण आमचे अधिकारी लोक आहेत, त्यांच्या समवेत आम्ही आज माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे की लवकरात लवकर आमच्या अर्जाचा त्यांनी विचार करावा आणि सोलापूर जिल्ह्यासाठी आणि पूर्ण महाराष्ट्रासाठी जुनी पेन्शन लवकरात लवकर चालू करण्यात यावी यासाठी आज आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। आणि तसं आम्हाला ग्वाही देखील दिलेली आहे जिल्हाधिकारी साहेबांनी की आम्ही लवकरात लवकर तुमच्या अर्जाचा विचार करू आणि पुढे मंत्रालयात पाठवू आणि लवकरात लवकर चालू करू घेऊ असं आम्हाला त्यांनी ग्वाही दिलेलं आहे। धन्यवाद।